तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि ये आने वाला टीएलसी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, ये तो सबको पता है। बट ये टीएलसी के ऊपर जो कि मेजर टाइटल चेंज होने के चांसेस हैं, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की, तो उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप देख रहे हैं रसल गुरु और मैं वर्मन, चलिए वीडियो में चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम गाइस बात करें तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस सबको लगता है कि डीन एम्ब्रोस यहाँ पे जीत सकते हैं, बिकॉज डीन एम्ब्रोस ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक स्टोटोल किया है सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट, और अभी तक सेथ रॉलिंस जो कि एक अच्छा मूव नहीं डीन एम्ब्रोस के आगे प्रेजेंट कर पाए, बिकॉज डीन एम्ब्रोस काफ़ी ज़्यादा हील्स टर्न के बाद अपने स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, और यहाँ पे उनकी जो कि स्ट्रॉन्गनेस है उनकी कोई लिमिट नहीं है। अब पता नहीं कैसे पर वो सेथ रॉलिंस से आगे जो कि है स्टोटोल कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे WWE जो कि है काफ़ी कुछ कर सकती है, यहाँ पे WWE पैसा लगा सकती है डीन एम्ब्रोस के ऊपर, सेथ रॉलिंस के ऊपर, बिकॉज ये जो कि है फ्यूड वन ऑफ द बेस्ट फ्यूड है और ये सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला है, इसमें कोई दो राय हैं नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहीं पे मैं अगर बात करूँ तो WWE ने बिल्कुल ऐसे ही किया है, तो ये जो कि मैच है इसके ऊपर हाईएस्ट बेटिंग लगी है WWE की TLC के ऊपर। जी बिल्कुल, जहाँ पर कि ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस बैरन कॉर्बिन जैसे मैचेस हैं, वहाँ पर एक जो कि मिड कार्ड मैच होने वाला है वहाँ पर इतनी हाई प्रेफरेंस उसको दी गई है। बट ये सिंगल्स टाइटल यानी कि प्रेशियस इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए टाइटल होने वाला है, इस वजह से उसके ऊपर जो कि करीब करीब 1,000 से या फिर 1,500 की बेडिंग जो कि है वो वर्ल्ड टाइटल के इक्वल उसे कर देती है। बट यहाँ पर हमें 2,500 के ऊपर बेडिंग देखने को मिली है, इससे सिर्फ एक बात जाहिर होती है कि WWE के फैंस और WWE के बेडर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उनको लगता है कि ये मैच जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेट होने वाला है और पैसे बहुत ज़्यादा, रेटिंग्स, TRP सब कुछ बढ़िया होने वाली है, जिस वजह से इन्वेस्टर्स इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो कि है वो कर दी गई है डीन एम्ब्रोस के ऊपर, माइनस माइनस में बात कर रहा हूं, -125 से फेवरेट है डीन एम्ब्रोस इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच को जीतने के लिए। तो यहाँ पे सारे जो कि डीन एम्ब्रोस के फैंस या फिर जो भी चाहते हैं कि डीन एम्ब्रोस जीते वो सबने छलांग मार दी होगी, ये जीत के डीन एम्ब्रोस नए इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन। बट अगर मैं सही बात बताऊँ तो WWE में चैंपियनशिप जो कि है वो इतनी जल्दी से हाथ चेंज नहीं करती, और यहीं पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि बहुत ज़्यादा चांसेस जहाँ तक मुझे लगता है एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि वहाँ पर वो जीत सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन या फिर काउंट आउट से। तो डीन एम्ब्रोस हमें इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप देखने को मिलने वाले हैं, ये सब थ्योरी अगर आपको कहीं पे देखने को मिलने वाली है तो उसमें एक चीज और याद रखिएगा, वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। तो बहुत शुक्रिया देखने के लिए, यहाँ तक वीडियो देख लीजिए, उनको सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करने दोस्तों को शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रसल गुरु और मैं हूं अरमन।